खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। जालौन के बहुचर्चित एसिड अटैक कांड पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका जीजा निकला, जो युवती से अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसका युवती ने कई बार विरोध किया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने 7 लाख रुपए में इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ सौदा किया था। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 21 सितंबर को कोच के लाजपत नगर की रहने वाली एक युवती पर 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने एसिड फेंक दिया था। इस मामले में लड़की के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी, उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं, उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है, उसका नाम पंकज प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। इस मामले में 6 टीम गठित की गई थी, जिनको झांसी, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा और मध्य प्रदेश के भिंड जनपद में दबिश देने के लिए भेजा था, जिसमें 50 संदिग्धों से पूछताछ की गई थी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोगों की पहचान करने का प्रयास किया गया था। आखिर इस मामले में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले लड़की के जीजा पंकज उर्फ प्रेम नारायण निवासी नारायणपुर जिला औरैया को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने 7 अन्य साथियों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पंकज उर्फ प्रेम नारायण से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह पीड़िता पर बुरी नजर रखता था।